हे गाइस, हाउ आर यू टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की जो मेरी वीडियो है एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम वर्सेस कोजी साइन फेयरनेस एंटी मार्क क्रीम के बारे में, क्योंकि गाइस दोनों ही क्रीम काफी अच्छी मानी जाती है स्किन व्हाइटनिंग के लिए और काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो गाइस मैं आज इसका कंप्लीटली रिव्यू दूंगा और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा कि भाई कौन सा बेस्ट है स्किन व्हाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए। तो गाइस अगर आप इन दोनों में से क्रीम को कोई परचेस करना चाहते हो या फिर यूज करना चाहते हो या फिर अपनी स्किन के टेक्सचर को कुछ इंप्रूव करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, क्योंकि जो काम होता है एक्चुअल में जो क्रीम्स का वो सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स का ही होता है। तो गाइस जो कोजी केयर का स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए वो सारे के सारे नेचुरल बेस्ड और कुछ केमिकल बेस्ड पर भी यूज में ले गए, लेकिन जो केमिकल बेस्ड पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज में ले गए वो आपकी स्किन के लिए 100% सेफ है, आपकी स्किन पर कुछ भी साइड इफेक्ट या फिर रिएक्शन नहीं होंगे। दोस्तों मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, ग्लिसरीन, आर्ब्यूटिन, विटामिन ई के साथ विटामिन ई भी यूज में लिया गया है, सॉरी विटामिन सी के साथ विटामिन ई भी यूज में लिया गया, जो कि आपकी स्किन के लिए 100% सेफ है। मतलब कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुकी है और अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट, हाइपरपिगमेंटेशन, मलेजमा की प्रॉब्लम है तो उन सारे प्रॉब्लम को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देगा। गाइस मैं बता दूं इसको प्रॉपरली यूज करने का तरीका, आपको इसको ओनली फॉर नाइट में यूज करना है, डे में आपको यूज नहीं करना है। डे में आपको रेगुलरली सनस्क्रीन अप्लाई करनी है और डे नाइट में आपको लगभग 1 मंथ या फिर 2 मंथ अगर आप इस क्रीम को यूज में लेते हो तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके साथ जो कोजी साइन का जो फेयरनेस एंटी मार्क क्रीम है ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप इस क्रीम को स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज में लेते हो अगर आप कंपैरिजन करते हो कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के साथ तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग काफी अच्छी है, इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही जल्द मिलता है, और जो कोजी साइन का जो फेयरनेस क्रीम है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि इसमें कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम में काफी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए गए, जैसे कि ग्लूटाथियोन है या फिर कोजिक एसिड है, आरब्यूटिन है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, वो काफी अच्छे है, आपकी स्किन को काफी इंप्रूव करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके टेक्सचर को इंप्रूव करेंगे और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देंगे। साथ ही अगर आप कोजी साइन का भी फेयरनेस क्रीम यूज में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये भी अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो कोजी केयर का स्किन व्हाइटनिंग क्रीम काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। दोनों में इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत अलग है, अगर कोजी साइन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करो तो इसमें कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, मलबरी एक्सट्रैक्ट साथ विटामिन ई यूज में लिया गया है, जो भी आपकी स्किन के लिए सेफ है, मतलब कि दोनों के साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन दोनों को नाइट में यूज करना है, डे में रेगुलरली सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ती है, और अगर आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए या फिर पिगमेंटेशन के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो कोजी केयर का स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज में ले सकते हो, काफी अच्छा है। थैंक यू। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।